तो हेलो दोस्त, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब दोस्त? आशा करता हूँ अच्छे हो। और कैसे में कट रहा है आपका दिन? ओपन मेरिट लिस्ट तो अभी तक आई नहीं, 26 तक एडमिशन होंगे सेकंड मेरिट लिस्ट के। तो दोस्त, ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, क्योंकि इसमें लूँगा मैं आपके सारे क्वेश्चन, मतलब सारे नहीं दोस्त, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन मैं प्रीवियस वन डे के क्वेश्चन आपके सेलेक्ट किए, क्योंकि यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे को। बाकी पीछे के तो दोस्तों इतने क्वेश्चन है, वो तो आपको वीडियो देख देख कर भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन बात करता हूँ रिसेंटली जो क्वेश्चन आए थे, मैंने पिक किए हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं, लेते हैं एक, तो चलिए दोस्तों हम लेते हैं वन बाई वन क्वेश्चन और दोस्तों देते हैं उनके आंसर। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते गए हैं। Q&A क्यों निकालते हैं? तो Q&A में आपके बहुत सारे क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो जाएंगे, और ऐसे भी आपको नया भी कुछ पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, यानी कि एक वीडियो में लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारे नहीं कह रहा मैं डाउट क्लियर हो जाएंगे, लग बहुत डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू और लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको पता ही अब मैं क्या कहने वाला हूँ दोस्तों, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और हाँ वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि आप आधी वीडियो लास्ट तक देखते हो और फिर पूछते हो कि सर वो उसमें तो वो है नहीं, आप थंबनेल देखते हो और फिर कहते हो वीडियो आप पूरी नहीं देखते। दोस्तों लास्ट तक भी मैं कुछ मतलब टॉपिक की बात पहले टॉपिक की थंबनेल की लास्ट तक भी बताता रहता हूँ, इसलिए आप थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखे करो, कोई फ़ायदा नहीं है। नेट फ्री का आ रहा है, जियो में 2GB मिलता है, मतलब छोटे से छोटे रिचार्ज में भी। तो दोस्तों नेट महंगा नहीं है ज़्यादा, तो वीडियो को थोड़ा वॉच टाइम मेरा अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए लेता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था। तो दोस्तों कमेंट ये था कि जिसका भी CCSU का रिजल्ट आया वो सही नहीं आया, वो गलत आया किसी कारण से, तो वो ये नंबर दे रखा है, इस पर अपना मोबाइल नंबर से सेंड करो। और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें कि मतलब एक तारीख फिक्स रखेंगे, आपको यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। तो दोस्तों मैं तो इसमें कहता नहीं कि तुम अपना नंबर दो या ना दो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट हाँ मैं ये बात बता रहा हूँ ग्रुप जरूर है, ये सारा यूनिवर्सिटी का ही ग्रुप होगा। लेकिन कभी आप नंबर दे दो और फिर यूनिवर्सिटी में चले भी जाओ, और फिर आपके ऊपर वहाँ कोरोना का टाइम चल रहा है और फिर वहाँ लट टूट आपके ऊपर, सही बता रहा हूँ दोस्तों। अभी इकट्ठे होना कहीं पे भी गलत है बिल्कुल, यूनिवर्सिटी वैसे ही एडमिशन पूरे नहीं हो रहे, कहीं और भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं एडमिशन पूरे नहीं हो रहे, कहीं मेरिट लिस्ट नहीं निकल रही, तो अभी ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का काम रुका पड़ा है, सारा रिजल्ट का तो बिल्कुल ही रुका पड़ा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अभी रिजल्ट ही निकालने में लगी है, अब ठीक से कहाँ से करेगी। तो यूनिवर्सिटी ठीक करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों। सही बात तो ये है कि आप वहाँ पे खुद जाओ या किसी को अपने घर से लेके जाओ, यूनिवर्सिटी के जाए बिना आपका काम नहीं होने का। या फिर आपको एक बात बताता हूँ, ब्रोकर पकड़ो, कोई ब्रोकर पकड़ोगे 3-4 हज़ार रुपये वो आपसे लेगा, बट करेगा वो भी वही काम, जाना आपको यूनिवर्सिटी पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना कुछ नहीं होता। कॉलेज यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं वो कभी गारंटी नहीं लेते कि हम अपनी आपकी मार्कशीट ठीक करा के देंगे, खुद ही यूनिवर्सिटी का चक्कर काटने पड़ते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जाइए वहाँ पे पता करिए और वहीं पे अच्छा सोल्यूशन मिलता है, नहीं तो 4-5 हज़ार रुपये ब्रोकर को दो, वो ठीक करेगा, पर करेगा वो भी। बाकी ये जैसे यानी कि ग्रुप यानी कि बंदे इकट्ठे कर ले और वहाँ पे चले गए, तो उसमें भी वही बात होती है। मैं तो इसके लिए आपको कहूँगा नहीं कि आप ऐसा करो या ना करो, बट फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं इसके लिए रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। बाकी अगर ये ऐसे रिजल्ट ठीक करा रहे हैं तो करा लो भाई, तुम अच्छी बात है, अगर किसी का आप फायदा करते हो, हेल्प करते हो तो अच्छी बात है, किसी का रिजल्ट ठीक करा ले। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई होरों की चिंता कब से होने लग गई, मतलब एक एक बंदा तो अकेला करा सकता है, तो हो सकता है इनका कोई, बस जो भी है ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन अच्छी बात है अगर ये हेल्प करते हैं किसी की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं प्रशांत तोमर का। तो प्रशांत तोमर जी कहते हैं कि आम ओपन मेरिट अपनी फ़ोन में चेक कर सकते हो, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन पे ही डलेगी ओपन मेरिट, मतलब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ही डलेगी और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अरे वैसे भी क्या, अब तो आपको फ़ोन का पता भी ना चले कि कब आई कब नहीं कॉलेज की, मतलब कॉलेज के पोर्टल पर आए और कॉलेज उसको टाके वहाँ पर चिपका दे, ये मतलब मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद यूनिवर्सिटीज़ को मतलब ऐसे नहीं करने की जैसे कि ये मतलब पब्लिश कर देती है, ये सिर्फ जिस कॉलेज में आप दोगे, जिस कॉलेज के लिए देगा दोगे ना, ये तो उसी की प्रॉब्लम है, उसी कॉलेज के मतलब वो ही हो सकता है। मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि शायद यूनिवर्सिटी जो मेरिट लिस्ट बनाएगी कॉलेज के अकॉर्डिंग, वो उसी कॉलेज को हैंड ओवर कर देगी, बाकी कॉलेज उठा के उसको गेट पर चिपका देगा।
क्योंकि उसी को एक कॉलेज की एक स्पेशल प्रॉब्लम आ गई ना। ये तो प्रॉब्लम ऐसी थी जो आप कर रहे थे तीन कॉलेज की थी, बट ओपन में क्या होगा कि आप किसी स्पेशल कॉलेज को चुनोगे और उसी की मेरिट आएगी। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा कि वो मेरिट लिस्ट कॉलेज को ही मिलेगी और कॉलेज उठाएगा और आपको जहाँ पे भी नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे चिपका देगा, वहाँ पे आपको सब नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है रिंकू कुमार का, ये पूछ रहे हैं ब्रो मेरा यूजी फर्स्ट में नंबर आ गया था बट मैं ले नहीं पाया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ओपन में ले लेना, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी बट एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या पो ये, या पता नहीं यार ये क्या लिखा हुआ आगे। तो दिव्या है ये पूछने कि क्या ओपन मेरिट या कैंपस भी लगाएगा। तो बिल्कुल ओपन मेरिट लिस्ट कैंपस भी लगाएगा क्योंकि कैंपस की भी सीटें पूरी नहीं हुई है, मतलब एडमिशन पूरे नहीं है। कैंपस थोड़ा ही ना अपनी सीटें खाली रखेगा, वो तो वैसे भी एडजस्ट कर लेता है, कैंपस में कोई थोड़ी एक दो सीटें ही खाली रहती है, मतलब एक दो का मतलब समझ रहे, एक दो ही ना समझ लेना, मतलब 10-20 खाली रह जाती है, बट मतलब ओपन मेरिट जरूर लगाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रशांत तोमर का, ये पूछ रहे हैं कि मैं एक नंबर से रह गया, मेरा एडमिशन ओपन में हो जाएगा का बिना फॉर्म भरे। तो भाई फॉर्म भरने वाले की तो बात ही नहीं है कुछ भी, आपको तो सिर्फ ओपन लेटर देना है उस कॉलेज में जिसमें आप चले जाओगे। लेकिन दोस्तों एक बात है इसमें, वो मैं बात आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, नहीं तो आप वीडियो बहुत छोड़ते हो, वीडियो का आप लास्ट तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू मोहम्मद जावेद, ये पूछ रहे हैं कि सर ओपन मेरिट लिस्ट के लिए ऑफर लेटर कहाँ जमा करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन तो भाई वो पढ़ाई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, उसको तो पता ही है, वो तो आपको वहीं से भी पिकअप कर सकती है। बट आपको वो करना है, आपको जिस कॉलेज में देना है ना उस कॉलेज के थ्रू होना चाहिए वो, मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जिससे यूनिवर्सिटी को पता चल जाए कि ये उस कॉलेज के थ्रू आया है, बंदा उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, तभी आपका नाम मेंशन होएगा ओपन मेरिट लिस्ट में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है गुलशन का, तो ये पूछ रहे हैं जिसका नाम नहीं आया क्या उसे भी रजिस्ट्रेशन दोबारा करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले एक बात बताई थी कि रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो दोबारा ओपन होने वाला है, तो कुछ बंदों ने आधी वीडियो देखी और ये समझ लिया कि हम सबका रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा। दोस्तों मैं इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करो। दोस्तों मैंने उनके लिए कहा था कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा ओपन होगा, जिन बंदों ने नहीं किए थे वे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए था वो। कुछ के कंपार्टमेंट के रिजल्ट बाद में आए थे, उनको एक अच्छा सा मौका मिल जाएगा और फायदा यूनिवर्सिटी का होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी की सीटें भी बहुत खाली है 70,000, उन पर कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फायदा स्टूडेंट का भी हो जाएगा। तो इसलिए वो न्यू रजिस्ट्रेशन है, न कि पुराने वालों का रजिस्ट्रेशन। तो यार एक ऐसे ही एक फेरी कर लिया आपने, ऐसे ही दो फेरी कर लिया और ऐसे ही 10 फेरी कर लिया, नंबर भी आपके वही रहेंगे, कास्ट जो भी है आपकी वही रहेगी, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो दोस्तों इसलिए कह रहा था मैं, नए का लगेगा वो, पुरानों को कुछ नहीं करना रजिस्ट्रेशन के मतलब अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कुमार, यार लड़का है लड़की ये तो पता नहीं भाई। भाई जिसका दोनों मेरिट फर्स्ट एवं दूसरी में सेलेक्ट नहीं हुआ है उसके पास ऑफर लेटर कहाँ से आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऑफर लेटर का यूज क्यों होता है और क्या होता है। अब बात करता हूँ ऑफर लेटर का, भाई जिसका फर्स्ट में नहीं आया और सेकंड में नहीं आया, दोस्तों ऑफर लेटर है, उसका यूज सिर्फ आपकी डिटेल्स के लिए किया जाएगा ओपन मेरिट में, न कि आपका ये देखे जाएगा कि आप फर्स्ट में आया है या सेकंड में आया है। यार ओपन लेटर तो ओपन लेटर होता है, जब आपका नहीं आया तो वहाँ दे दो, अगर आपका आया किसी कारणवश एडिशन नहीं ले लिया जाया तो आप तब भी ओपन में मतलब मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों वो तो इसलिए होता है ओपन में, तो भाई जितने भी हैं सब चलेंगे, सब के सब। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है शहादत मलिक, भाई ये लड़का मेरी वीडियो मतलब कंप्लीट देखता है और इसके कमेंट मुझे मिलते ही रहते हैं, तो भाई से मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ, ये बंदा कमेंट जरूर करता है। ओपन मेरिट की प्रोसेस बताओ। तो दोस्तों मैंने आपको भाई मैंने ओपन मेरिट लिस्ट के लिए एक कंपलसरी वीडियो बना दी थी, आप जाना चैनल पर और देख लेना। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आयुष चौबे है ये, इन्होंने पूछा भाई ईएक्स स्टूडेंट है वो प्रमोट होंगे या उनके एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ एग्ज़ाम तो मतलब इस साल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के बिना प्रमोट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया था कि उनको प्रमोट कर देगी, बट प्रमोट अगली कक्षा में करेगी, न कि आपके रिजल्ट से मतलब प्रमोट करेगी। हाँ एक तरफ से यही समझ लो आप कि आपको प्रमोट कर दिया है, लेकिन दोस्तों आपके ईएक्स के जो होने हैं ना पेपर, वो पेपर होने ही होने हैं, वे मार्च में ज़रूर होंगे 100%। अभी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट भले ही किया हो लेकिन पेपर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जब कॉलेज में नोट सिलेक्टेड लिखा आ रहा है तो मेरिट स्टेटस पर, तब ऑफर लेटर शो नहीं होता, तो ओपन मेरिट में ऑफर लेटर कहाँ से लाए? यार मैंने आपको बता दिया है, ऑफर लेटर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ चाहे आप सिलेक्टेड हो या नॉन सिलेक्टेड हो, कंडीशन ये है आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया हो, किसी भी कारण से रह गए हो, उसके लिए वो मेंशन नहीं है कि कारण क्या था, बट आपका एडमिशन तो नहीं हुआ और आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर वहाँ पर आप ओपन लेटर दे सकते हो। सिर्फ ओपन लेटर का यूज वहीं पर ही होगा आपकी डिटेल्स के लिए, बाकी ये नहीं देखेंगे कि आपका फर्स्ट में आया था आपने नहीं लिया, सेकंड में आया था आपने नहीं लिया, सिर्फ आपकी डिटेल चढ़ेगी। वैसे तो चाहो तो आप डिटेल वैसे भी बता सकते हो, लेकिन ऐसे भाई एक मतलब बात करते हैं विद प्रूफ कि आपको ये देना होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी ओपन मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों टाइम हो गया है, एक ऐड ब्रेक का मैं लेता हूँ, एक ऐड और उसके बाद आता हूँ थोड़ा लौट के, बस थोड़ी देर वेट करना। तो दोस्तों ये था आईफोन 12 जो कि अभी 30 तारीख को लॉन्च होने वाला है, ये तीन उसमें आ रहा है, आईफोन 12 मैक्स, आईफोन 12 मिनी और ये खाली 12, यानी आईफोन 12 लॉन्च होने वाला है 30 अक्टूबर को। दोस्तों इसकी कीमत लगभग बात करता हूँ तो 80,000 के थे। तो चलिए दोस्तों लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये मेरा नंबर मांग रहे थे अजीत जी भाई, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, आप वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर सब कुछ पूछ सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रितेश वर्मा का, तो ये पूछ रहे हैं सर मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ गया था, तो इन्हें अब अपना कॉलेज बदलना है। तो दोस्त ऐसा तो होता नहीं, कॉलेज बदल दो अगर, हाँ कॉलेज अगर यानी कि अगर आपका कॉलेज मतलब बदल नहीं है तो जहाँ पर एडमिशन लिया है आपने वहाँ पर जाओ कि मेरा मतलब कैंसिल कर दे। अगर हाँ आपका फुल्ली प्रोसेस कैंसिल हो जाती है यानी वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक कैंसिल हो गई किसी कंडीशन में, तो फिर तो वो आपका नाम ओपन में मेंशन करेगी, नहीं तो ओपन में मेंशन करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि आपका तो एडमिशन हो रखा है बट अब डेट मतलब निकल ही चुकी है, एडमिशन कैंसिल नहीं हो गई, क्योंकि एडमिशन अभी यूनिवर्सिटी कर रही है, कैंसिल कहाँ कर देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोबित शर्मा, ये पूछ रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज भी निकालता है ओपन मेरिट? हाँ भाई गवर्नमेंट कॉलेज भी निकालता है, अपनी सीटें तो उसे भी भरनी होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज भी निकालता है, कैंपस में निकालता है, यानी कि हर जगह निकलेगी है, यहाँ तक कि मैनेजमेंट कॉलेज के लिए भी निकलेगी, बट मैनेजमेंट कॉलेज में तो आप बिना मेरिट लिस्ट के भी एडमिशन ले सकते हो, इसीलिए मैनेजमेंट कॉलेज तो बिल्कुल ना के बराबर एडमिशन पड़े हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हितेश का भी, ये पूछ रहे कि भाई दो मेरिट लिस्ट में नहीं आया अब तक, 3% कम रह गए, तो कोई नहीं यार ऐसे तो बहुत है जिनके परसेंटेज पॉइंट भी कम रह गए भाई, 0.1 पे भी नहीं आया कुछ बंदों का, तो मतलब परेशानी वाली कोई बात नहीं यार, ओपन में हो जाएगा यार, यूनिवर्सिटी इतनी दयावान तो है ही कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सोच लेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं भाई ओपन मेरिट लिस्ट कब लगेगी? भाई जब लगेगी मैं बता दूंगा, आप बस टच में रहना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस जब भी लगेगी ना आप सुबह नोटिस कॉल कर देखना, आपको वहीं पे ही पता चल जाएगा कब लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभय कुमार का, वो पूछ रहे हैं बीए कोर्स की जो एडमिशन फीस कितनी होती है? भाई जो एडिट कॉलेज होते हैं यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, उनके लिए 2500 रुपये के लगभग होती है, लेकिन फीस तो कम भी होती है, लगभग अगर बात करते 2500 नहीं है, 1500, 1600, 1700, 1800 इतने तक भी होती है, बट अगर तो कंप्लीट खर्चा करने की बात करता हूँ तो 2500 रुपये लग जाते हैं लगभग, उसमें कॉलेज फीस भी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी तो बनते हैं, कहीं एंटी रैगिंग का बनता है, कहीं मतलब प्रोस्पेक्ट डाउनलोड होता है, फीस तो नहीं तो 1600, 1600 रुपये भी है बी एस सी की और बी ए की भी, बट फिर भी आपको 2500 से 3000 रुपये मतलब आपके लग ही जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष कुमार का, ये पूछ रहे हैं ओपन लेटर कब जमा करना है? भाई ओपन लेटर भाई उस दिन जमा करना है जिस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा, दोस्तों 26 तक एडमिशन होंगे, जब भी एडमिशन यानी कि उसके बाद आप कॉलेज जाकर भी पता कर सकते हो कब ओपन लेटर जमा करना है कॉलेज में,
उसी कॉलेज में जमा करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। बट अगर आपको, वैसे तो मैं आपको डे बाई डे हर नॉलेज देता हूँ, लगभग 2-3 से 4 वीडियो आती है मेरी दिन में को, आप अगर उनको भी देखोगे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अपने कॉलेज पर, मतलब कॉलेज में जाना चाहिए भाई, पता करना चाहिए कि कहाँ पर कितनी मेरिट है, क्या क्या वहाँ के सराउंडिंग में हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पबजी 5-5 गेम। भाई देख लो, पबजी बैन हो गया लेकिन बंदे का नाम चल रहा है अभी। भाई ये पूछ रहे हैं, सर मेरा दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया लेकिन मैं दूसरे कॉलेज में लेना चाहता हूँ। तो भाई कोई फाउंडेशन नहीं है, आप दूसरे में लेना, ओपन मेरिट लिस्ट में आपका हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको 2-3 वीडियो बना के दे दिया, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, नहीं तो कल भी बनेगी वीडियो ओपन के ऊपर, बट टॉपिक चेंज होगा उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवेद अहमद का, ये पूछ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा कर क्या दोबारा भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाई रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें तो वही डॉक्यूमेंट तुमने पहले लगाए थे वही डॉक्यूमेंट आपको बाद में लगाने, परसेंटेज भी नहीं बढ़ेगी आपकी जो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन तो सेम रहता है, रजिस्ट्रेशन सीट बुकिंग के लिए होता है, बाकी वो एडमिशन तो आपका उसी प्रोसेस से होगा मेरिट लिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मुनव्वर हसन है, ये पूछ रहे हैं कि सर जो रजिस्ट्रेशन में कॉलेज डाले थे क्या वो चेंज हो जाएंगे। भाई ओपन मेरिट लिस्ट इसलिए तो लगी रही है कि आप जिन कॉलेज में आपने 3 में डाला था उनकी मेरिट हाई जा रही है, आपका नाम नहीं आया, तो आपके लिए यही तो फ़ायदा है इसका ओपन मेरिट लिस्ट का। दूसरे कॉलेज में जाओ, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे, मतलब उसके अनुसार अपने नाम मतलब आ जाएगा आपका मेरिट लिस्ट में, जब कॉलेज अपनी ओर से लगाएगा जिस कॉलेज में आप जाओगे, तो वो कॉलेज चेंज करने के लिए ओपन लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार अंजलि सिंह का, ये पूछ रही है सर मेरा एडमिशन हो गया फिर रजिस्ट्रेशन दोबारा करूँ, ऐसा हो सकता है। तो यार आपका तो एक फिर ही हो गया, आप फिर एडमिशन दोबारा, मतलब रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की क्यों सोच रहे हो। यार उन बंदों से पूछो जिनका एडमिशन नहीं हुआ, बेचारे में कितने परेशान होते, क्योंकि परेशानी होती है भाई, एक साल ख़राब जाता है क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी है भी नहीं। तो वैसे एक यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, मतलब हो सकता है 4 साल में वो बन जाए, वो बनेगी सहारनपुर में, पुआर का है जहाँ पे, यानी सहारनपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगी यानी राज्य की यूनिवर्सिटी बनेगी गवर्नमेंट। तो हो सकता है उसी टाइम यूनिवर्सिटी से यानी मेरठ से लोड कम होगा, तो अभी 4 साल उसमें बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्पल बालियान का, ये पूछ रही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, बट उसका एक अपडेटेड वर्जन आया है ओपन मेरिट लिस्ट, वो ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी थर्ड मेरिट लिस्ट की जगह। तो ओपन मेरिट मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, थर्ड मेरिट लिस्ट यानी ओपन मेरिट लिस्ट लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अश्वनी गौर, ये पूछ रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर डायरेक्ट ही ओपन लगेगी। भाई थर्ड मेरिट लिस्ट को ही ओपन मेरिट लिस्ट को ही थर्ड मेरिट लिस्ट मान ले, यानी कि ओपन को ही आप थर्ड मेरिट लिस्ट मान लो, बस यही समझ लेना वो थर्ड मेरिट लिस्ट लग गई। दोस्तों वैसे मैं बताना चाहूँगा कि भाई थर्ड मेरिट लिस्ट ओपन मेरिट लिस्ट ही लगी, 2 यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी लगा दी है, बाकी कॉलेज के अकॉर्डिंग लगेगी थर्ड मेरिट लिस्ट जिसे ओपन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्कू जैक्सन का, वाओ नाइस नेम, ये पूछ रहे हैं भाई CCS के जो प्राइवेट के फॉर्म है वो कब निकलते हैं। भाई CCS के प्राइवेट के फॉर्म लगभग पेपर होने से 1 यानी 1.5 महीने पहले निकलते हैं, यानी अगर बात करूँ कि अप्रैल में पेपर होंगे तो ये निकलते हैं फरवरी में निकल जाएंगे BA प्राइवेट के, अभी नहीं है, अभी तो ऐसे रेगुलर ही चल रहे हैं, अभी मतलब करने भारी हो रहे हैं इस बार। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश कुमार का, ये पूछ रहे हैं भाई सर जिस कॉलेज में जितनी सीट खाली है उनके PDF भेज दो। तो भैया मैं तुम्हें PDF कैसे भेजूंगा, अभी तक तो एडमिशन ही चल रही है सेकंड मेरिट लिस्ट के, अभी तो ये भी कन्फर्म भी नहीं हो पा सकता कि कहाँ कितनी सीट बची है, क्योंकि जब तक एडमिशन नहीं होने के 26 के बाद तो PDF भेज सकता हूँ कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहान, सर ऑफर लेटर कहाँ से आएगा क्योंकि मेरा तो फर्स्ट और सेकंड में कोई सी में भी नाम नहीं आया। तो भाई कोई नहीं आया, आपको कहीं से भी कुछ भी जाओ, नोट सिलेक्टेड वाला सिलेक्टेड वाला, बस आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, आप ओपन मेरिट लिस्ट के लिए अवेलेबल हो, बस आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, चाहे आपका नाम आया या नहीं आया वो फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही जमा कर देना कॉलेज में। दोस्तों जहाँ पे मैं मतलब अभी जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ ना दोस्तों, यहाँ की लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी कभी लाइट की वजह से मतलब मोबाइल डाउन रहता है, मैं वीडियो भी नहीं डाल पाता, बाकी नेट तो यहाँ पे फुल आता है, फुल सिग्नल है, नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि घर में ऐसा कुछ साधन नहीं है कि इन्वर्टर वगैरह, बस फिर भी मैं एडजस्ट करके तुम्हें नॉलेज दे ही देता हूँ। तो ऐसे में बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बस जैसे तैसे
मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, वो मुझे ही बताया कैसे दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी पढ़ देते। सिद्धांत मलिक बोल रहे हैं भाई, इन्होंने क्या है, शहादत मलिक बोल रहे हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या सर ऑफर जो ये ऑफर लेटर हो गए तीनों कॉलेज में सबमिट कर देना है। दोस्तों आप ये तीनों में, अगर इनमें से आपको किसी को में भी एडमिशन लेना हो, सिर्फ एक में करना आपको ये, कभी आप तीनों में कर दो, तीनों का डाटा जाए यूनिवर्सिटी को, फिर यूनिवर्सिटी ये सोचेगी यार इसमें दूँ उसको एडमिशन, इसमें दूँ इसमें दूँ। तो दोस्तों सिर्फ ये बात बहुत, मतलब क्या बात ध्यान देने वाली है, कि आपको एक में ही करना है, अगर आप दो में करोगे तो यूनिवर्सिटी फिर ये सोचेगी इसमें से भी इसका डाटा आया है, इसमें से भी इसका डाटा आया है, क्योंकि वहाँ तो आपका, अगर आप उसमें भी दोगे उसमें भी दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो उठाती है, उसी के अकॉर्डिंग तो पता चलता है आपकी डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे ही डलेगा आपको दोनों जगह की डिटेल मैच हो जाएगी। अब यूनिवर्सिटी सोचेगी कि इसमें दे इसमें दे, हो सकता है फिर आपको किसी में भी, मतलब किसी में भी ना मिले, फिर यूनिवर्सिटी कन्फ्यूज हो जाएगी। तो ऐसे लिए मैं बताता हूँ आपको सिर्फ एक ही कॉलेज में देना। तो यार अभी तक के लिए इतना ही, मैं भी बहुत थक गया बोल बोल के। तो चलिए दोस्तों आप मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, देख के बात नहीं बनेगी अब। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको कल, तब के तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।